एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक एफसी में। फ्रेंड्स, कुछ चीजें छोटी होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों का काम या फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम आपके लिए आसान और बहुत आसान बना देती हैं। ऐसे ही कुछ छोटे साइज के अल्टीमेट फीचर वाले कुछ यूनिक गैजेट्स आज आपके लिए हाजिर हैं। फिर देर किस बात की, पहले हम इन्हें देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपने काम के हिसाब से इन्हें खरीद लेंगे। सो गाइस, नंबर 10 पर आते हैं ई इंक स्मार्ट केस। स्मार्टफोन पर बैक कवर लगाना एक आम बात है, लेकिन इस तरह का बैक कवर लगाना बिल्कुल नई और खास बात हो सकती है। स्मार्टफोन जिसमें कई सारे एंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशंस होते हैं और उन्हें चलाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करते हुए हम पूरी पूरी रात कब काट देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जिससे हमारी आंखों में स्मार्टफोन से पड़ने वाली लाइट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए अब आपको किसी तरह के ग्लास पहनने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन के पीछे ये स्मार्ट कवर लगा लेना है। और अगर आप रात भर भी इसके साथ अपने स्मार्टफोन की चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आपको ओरिजिनल स्क्रीन बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये आपके स्मार्टफोन को गिरने से टूटने वाली दिक्कत को खत्म करने के साथ बेड पर एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी लगा सकते हैं रोजाना बदल कर। और अगर हमें नोट्सबुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता और स्मार्टफोन से पढ़ना अच्छा लगता है, जिसकी मदद से आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, इसके पीछे वाली स्क्रीन में आपकी नोट्सबुक के टेक्स्ट बिल्कुल साफ और क्लियर दिखते हैं, और अपने इस स्क्रीन को स्वाइप करके आराम से अपने नोट्स को ऊपर से नीचे की तरफ आप पढ़ सकते हैं। नंबर 9, एयरबार। लकड़ी की फ्रेम एक स्टिक की तरह दिखने वाला यह गैजेट जो कंप्यूटर स्क्रीन को या फिर आपकी रिमोट से चलने वाली स्क्रीन को टच स्क्रीन में चेंज कर देगा। जी हाँ, यानी आपका कीबोर्ड चलाने से आपका अगर मन उठ चुका है और आप टच स्क्रीन चलाना ही पसंद करते हैं, तो इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन से बिल्कुल नीचे की ओर इंस्टॉल कर लेना है। इस टूल की मदद से अपने वायर वाले पोर्ट्स की मदद से आपके लैपटॉप में अटैच हो जाता है, और उसके बाद जिस तरह से आप कोई टैबलेट की अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को चला सकते हैं, आप स्वाइप कर सकते हैं और पिक्चर्स को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, वह अपने किसी भी बिना टच स्क्रीन को इसके लगाने के बाद आसानी से कर सकते हैं। यह गैजेट जेस्टर टेक्नोलॉजी पर भी वर्क करता है और आप स्क्रीन पर टाइप करके डबल टैप करके इसकी जेस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 8, आईडी ड्रॉइड। आपका फोन स्मार्टफोन इस तरह की सिक्योरिटी में जाने वाला है कि इमारत वाली मंजिल से ऊपर से क्यों ना गिर जाए या फिर हाथ से जोर से क्यों ना छूट जाए, किसी के अंदर के स्मार्टफोन को और उसकी स्क्रीन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और कई बार पुलिस वालों पर डिटेक्टिव लोगों की अपनी पहचान इसी के साथ रखनी पड़ती है, और इस तरह से तो वायरलेस दिखते हैं, लेकिन ये एक फोन का कवर है जिससे आपका कोई सादा सा फोन एक स्ट्रांग फोन में बदल जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई डिटेक्टिव हो या फिर कोई बड़ी सी इन्वेस्टिगेशन में शामिल ऑफिसर। और इसके साथ आपका स्मार्टफोन चलाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा, और आपके लोगों को खोलने के लिए इसमें बटन्स भी दिए गए हैं, और जिन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ ये एक खबर है तो वह शायद आपको एक डिटेक्टिव ही समझने वाला है, इस मजबूत बैक कवर के साथ जो आपके पूरे फोन को चारों तरफ से कवर कर लेता है। नंबर 7, प्रेजेंस 360। अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, अपने घर वालों की सिक्योरिटी के लिए हम जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस सिक्योरिटी के लिए हम उन पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं, या तो खुद की आंखों से या सीसीटीवी कैमरे की मदद से। सीसीटीवी कैमरे को एक जगह पर लगाकर सिर्फ एक जगह की नज़र मत रखिए, इस कैमरे को लगाइए जो 360 डिग्री सर्कुलर होम गार्ड आपके पूरे घर को और उसकी पूरी जगह को कवर करता है। यह रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाला गैजेट किसी भी सरफेस पर या जगह पर आसानी से फिट होता है और इंस्टॉल होता है, उसके बाद इसे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी की मदद से। इसके लिए इसका अपना अलग एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने गैरेज को, अपने किचन को और अपने बेडरूम को कहीं से भी बैठे हुए आराम से देख सकते हैं। इसमें अटैच हुए कैमरे के साथ एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पूरे घर के 360 डिग्री व्यू को आपके सामने तक पहुंचा देता है। नंबर 6, X5। घर में, ऑफिस में हम तो चार्जिंग करने के लिए सॉकेट लगाकर रखते हैं और अपने चार्जर को भी वहां पर रखते हैं, लेकिन ड्राइविंग करते हुए या फिर सफर में जाते हुए हमारे स्मार्टफोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है और हम अपनी कार में उसे चार्ज करते हैं, लेकिन वह स्पीड से नहीं हो पाता। पर इस कार के चार्जर के साथ आप अपने एक नहीं 5 स्मार्टफोन डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग आउटपुट फैसिलिटी के साथ। इसके वायर और इसकी पोर्ट आपकी कार चार्जिंग में अटैच होने के बाद आपके स्मार्टफोन की कैपेसिटी के हिसाब से उसे आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। और इसके दो पोर्ट्स हैं, 2.4 एम्पीयर का आउटपुट होता है और बाकी 3 में 2.0 एम्पीयर का आउटपुट फास्ट चार्जिंग के लिए मिलता है। और कार में पीछे बैठे हुए लोगों के लिए स्मार्टफोन चलाते हुए चार्जिंग आप इसकी मदद से करते हो, क्योंकि यह एक लॉन्ग वायर के साथ पीछे तक आसानी से आ जाता है और आपके चार्जर की केबल में इसमें अटैच करके अपने स्मार्टफोन को, टैबलेट को, अपने गेमिंग गैजेट को इसकी मदद से फास्ट चार्जिंग करवा सकते हैं। और यह इतना छोटा है कि आप इसे अपने पॉकेट में रखकर आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे निकाल के चार्ज भी कर सकते हैं। नंबर 5, इवोपोलर 2। एक ही ऑफिस में बैठे हुए ही, एक ही टेबल पर बैठे हुए आपके आसपास के लोग गर्मी की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जरूर कर पाएंगे इस पर्सनल एयर कंडीशनर की मदद से। यह एक एयर कंडीशनर है जिसे आप आसानी से कहीं भी उठाकर लेकर जा सकते हैं अपने ऑफिस में या फिर जहां भी आप एक रिलैक्स होकर लेटना है, बैठना चाहते हैं।
उस जगह पर जहाँ पर आप इसे ठंडी हवाओं के इसके मजे लेना चाहते हैं। वैसे तो एयर कंडीशनर सिस्टम बहुत ही भारी भरकम होता है, इन्हें एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्हें दूसरी जगह पर नहीं ले जा पाते, लेकिन इनके साथ कितना बिल आता है कि हमारी आंखें फटी की फटी भी रह जाती। पर इसके साथ जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन होगा वह भी किसी एलईडी बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी से यूज से भी ज्यादा कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी लगभग आपके एलईडी बल्ब जितना ही आएगी। समर सीजन हो या कोई भी सीजन हो, अब आप गर्मियों की वजह से अपने काम में परेशान नहीं होंगे, और इसमें एलईडी लाइट चलने वाला एक पोर्टेबल वाटर टैंक भी है जिसकी एलईडी लाइट्स आप चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस को यूज करके। नंबर 4, कॉस्मो। अगर हम अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ टॉयज मत दिलाइए, इंटेलिजेंट टॉयज दिलाइए, और गेम खेलने के लिए टॉयज की जीत तो बच्चे करते ही रहते हैं। तो आप ये ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाला छोटा सा रोबोट जिसका खुद का अपना एक फ्रेंड है और एक पर्सनालिटी है जो चीजों को रिकॉग्नाइज करता है और फेस को भी रिकॉग्नाइज करता है और अपने आने वाले किसी भी ऑब्स्टिकल को खुद ही पहचान लेता है और उसे पार भी कर लेता है, और यह आपके बच्चों के साथ गेम भी खेल सकता है। जिस तरह से उन्हें टाइम नहीं दे पाते उसे देखते हुए यह उनके साथ गेम खेलने वाला और मस्ती करने वाला रोबोट है जो खुद एक अपना साउंड भी रखता है और सबसे क्यूटेस्ट रोबोट्स में आता है, और बच्चों के छोटे टॉयज को यह उठाकर सही से उन्हें रख भी देता है और साथ में उनके साथ गेम भी खेल लेता है। नंबर 3, आईपिन स्पैटियल रूलर प्रो। मेजरमेंट करने के लिए रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी डायमेंशनल चोरी के बारे में जानने के लिए आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, शायद किसी टीम की मदद से या किसी दूसरे ग्रुप की मदद से अच्छा खासा टाइम जरूर लगने पड़ता है। और हम किसी भी बिल्डिंग की हर उम्र की फोटो खींचते हैं सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन के बैक पर इस गैजेट को लगाने के बाद अपने स्मार्टफोन से उसकी फोटो लेने के लिए किसी भी जगह के डिस्टेंस मेजरमेंट वह भी 3D विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह दुनिया का पहला स्मार्ट लेजर मेजरमेंट डिवाइस है जो अपनी लेजर के साथ किसी भी जगह के चारों कोनों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल एक्यूरेट ट्रू मेजरमेंट के साथ बताता है। और इसके लिए आपको कोई दूसरे टूल की या स्टनल सोच की जरूरत नहीं, बस यह आपको अपने स्मार्ट डिवाइस के पीछे लगा लेना है। यह सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ही पावरफुल और हेल्पफुल डिवाइस साबित हो सकता है जिससे किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने में उसकी डायमेंशन को बिल्कुल ट्रू तरीके से मापने और मेजरमेंट को एक करेक्ट लुक देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यह बहुत ही मिनी साइज का है जिसे आप अपने पॉकेट में रखकर आसानी से किसी भी साइट वर्क पर लेकर जा सकते हैं। नंबर 2, QLYX। कार ड्राइविंग करते हुए अगर आप रास्ता भूल चुके हैं और लोगों से भी पूछ लिया फिर भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, उसके बाद कार ड्राइविंग करते हुए हमारे स्मार्टफोन को निकालकर उस पर हम देखते हैं और स्मार्टफोन को चलाते हुए शायद हम कार की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी को कई बार ऐसी चीज हो जाती जो हमें अपने लिए नहीं सोच पाते। तो अगर आपको अपनी कार चलाते हुए अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक सही नेविगेशन देखना है तो अब स्टेयरिंग के पास ही लगा दीजिए ये मैग्नेटिक डिवाइस जो आपके स्मार्टफोन को मैग्नेटिकली स्ट्रांग तरीके से पकड़ लेता है, और अगर आप किसी भी तरह के रोड पर गाड़ी को या गड्ढों को अपनी कार को चला रहे हों या आपके स्मार्टफोन को स्ट्रांग तरीके से पकड़ कर रखता है, इसके एप्लीकेशन की मदद से अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद यह आप हो आपकी स्मार्ट स्टेयरिंग के पास प्रोवाइड करता है, साथ में मैप भी दिखाता है जिससे हमारे सफर में जरा भी देरी नहीं होती, रास्ता भटकने की प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलता है। और अगर आप ऐसी जगह पर अपनी कार पार्किंग कर रहे हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां हैं और जब भी आप अपनी कार के पास आना चाहते हैं तो आप अपनी कार को इतनी सारी गाड़ियों में ढूंढ नहीं पाते, तो डिवाइस की मदद से आप अपने स्मार्टफोन से आराम से अपनी कार को ज्यादा पार्किंग वाली गाड़ियों में भी ढूंढ सकते हैं। इसे कार में लगाने के बाद आपकी ड्राइविंग सेफ हो जाएगी और आपका स्मार्टफोन चलाने की आदत आपके लिए नुकसान वाली साबित भी नहीं होगी या किसी भी तरह के स्मार्टफोन एंड्रॉयड सिस्टम और iOS से कनेक्ट हो जाता है। नंबर 1, सैंक्सो एक्स रिंग। हम अपने साथ अपने पॉकेट में स्मार्टफोन रखते हैं, अपने हाथों पर स्मार्ट वॉच पहनते हैं और हाथों पे स्मार्ट ब्रेसलेट भी पहनते हैं, ये वॉलेट रखते हैं कभी भी पेमेंट करने के लिए या सभी अलग अलग कामों को इस्तेमाल करते हुए। पर अब इतने सारे डिवाइस का एक छोटी सी रिंग में काम होने वाला है जिसे आप अपने हाथों की उंगलियों में एक सिंपल रिंग की तरह पहन सकते हैं। यह सिंपल नहीं, रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई और आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती है। आपके स्मार्टफोन पर आने वाली इनकमिंग कॉल को आप अपने पॉकेट से या फिर अगर अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी आपसे दूर रखा हुआ है तो आप इस रिंग की मदद से अपने हाथों को कान पर लगाकर बिल्कुल प्राइवेसी के साथ अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। इसमें माइक्रोफोन है जो आपकी आवाज़ को क्लियर एंड आपके फ्रेंड तक पहुंचाने में मदद करता है। आप इस पर टच करके अपने इनकमिंग कॉल्स को उठाने के साथ साथ इसे क्रिस्टल क्लियर कन्वर्सेशन कर अपनी बातचीत कर सकते हैं और अपनी पर्सनल स्टोरी डिवाइस सिस्टम भी बना सकते हैं, और आपकी एक पर्सनल स्मार्ट लोगो का काम भी रिंग कर सकती है जिससे आप अपनी कई नई सारी चीजों को अपने फिंगरप्रिंट के साथ लॉक करके रख सकते हैं। आपके डेटा को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सिर्फ आपके देखने और काम लेने के लिए सेफ रखती है। यह रिंग जेस्चर टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है और आपके घर के स्मार्ट LED को आपके
अपने हाथ के स्वाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरह के रिमोट कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं। और अगर आप अपने हाथ में रिंग से पहने हुए हैं और आप जीनियस में चेंज हो सकते हैं, मूवी को रोक सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड का वॉल्यूम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना स्मार्टफोन कहीं भूल रहे हैं तो आपके हाथों की उंगलियों में पहनी हुई ये रिंग आपको उसका नोटिफिकेशन भी देती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को कहीं भी खोने से बचा सकते हैं और उसे सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और उसके पास आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए। अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।